अभिनंदन आभार। करियर वाला के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं श्रीमती नीता अग्रवाल जी से, जिन्होंने कई वर्ष भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया। नीता जी, हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माई प्रिविलेज, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। धन्यवाद। तो नीता जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जब मैं आपसे पहली बार मिला था, बहुत साल हो गए उस बात को, तब आप क्या करते थे और किस पद पर थे? जब आप मेरे को मिले थे तो वो था साल शायद 2017, अगर आपको याद होगा। 2017 में हम लोग मिले थे या 18 में, दोनों में से एक साल था ये। तो उसमें हम मिले थे, तब मैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थी और देहरादून में थी पोस्टेड, और इनकम टैक्स में ही कार्य कर रही थी उस टाइम। तो नीता जी, ये जो एडिशनल, ये जो इनकम टैक्स में आप जिस पद पर थे, क्या करता है आदमी उस पद पे? हमें तो ज्यादा इनकम टैक्स के बारे में टीवी से ही पता लगता है, तो आदमी करता क्या सारा दिन उस रोल में? देखिए, ऐसा है, कोई भी सरकार जो है वो बिना फाइनेंसिस के काम नहीं कर सकती। कोई भी, जैसे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें बनानी है, शिक्षा देनी है, मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, जैसे आपको पता है कि भारत तो एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो उस हिसाब से ये गवर्नमेंट का फर्ज बन जाता है कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। अब गवर्नमेंट कहाँ से वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी? वो ऐसा है कि जो लोग इनकम करते हैं, आय जिनकी होती है उसके ऊपर, हर कंट्री में ये है ये चीज, उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है, तो उस टैक्स को इकट्ठा करने का काम हमारा होता है। हमें ये देखना होता है कि जो किसी ने भी जो साल दर साल अपना जो आयकर का ब्यौरा दिया हुआ है, विवरणी जो फाइल की हुई है, वो सही फाइल की हुई है या कि नहीं फाइल की हुई है। तो अगर सही फाइल की हुई थी तो ठीक है, अगर नहीं सही फाइल की होती तो फिर हमें उसमें से निकाल के उस पर्टिकुलर पर्सन को बुलाना होता है और बताना होता है कि देखिए आपका ये सही नहीं फाइल किया हुआ, हमारे पास कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पे आपका जो आयकर है वो ज्यादा बनता है, तो उसको हमें रिकवरी करनी होती है। तो ये मुख्य काम होता है हमारा। ठीक है जी। तो जिस पोजीशन पे आप थे, उस रोल में आपका यही काम था कि लोगों से मिलना और उनसे बताना कि आपका आयकर सही भरा है या नहीं? ये काम था प्लस ऑफिस में जो स्टाफ था, ऑफिसर्स थे, उनको उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडिशनल कमिश्नर का एक पद होता है वो हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। जैसे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंस्ट्रक्शंस जो आती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो होता है लोअर, जैसे ऑफिसर्स से इम्प्लीमेंट करवाना है, तो वो काम एडिशनल कमिश्नर का होता है। ठीक है, मतलब एक मैनेजरियल रोल है ये, जिसको हम प्राइवेट यस, इट इज अ सेक्टर। मैनेजरियल एंड सुपरवाइजरी रोल। ठीक है जी। तो आपने किस साल अपना करियर शुरू किया और कैसे आए आप इनकम टैक्स में? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा, जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे, आप सोचते होंगे एक दिन मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने पूछा है। मैंने ये 1982 में स्टार्ट किया था। उस समय में बहुत ज्यादा लेडीज काम भी नहीं करती थी जैसे आपको मालूम है, और पंजाब में एक छोटे से टाउन से मैं बिलोंग करती हूँ, धूरी उस जगह का नाम है। ये पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ का पॉपुलेशन सिर्फ 30,000 था उस टाइम। तो आप देखिए कि एक डिग्री कॉलेज भी, एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज होता था जिसमें कि हम लोग पढ़ा करते थे। तो ऐसे कभी ये सोचा नहीं था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं आऊंगी, लेकिन मन में ये जरूर था कि मैं कुछ करूंगी। तो जब मैंने बीए किया तो मैंने, उस समय क्या होता था, सीए करने के लिए बीए या बीएससी का क्वालिफिकेशन चाहिए होता था। आजकल तो ये हो गया है कि आप प्लस टू के बाद सीए का एंट्रेंस दीजिए और आप सीए करनी शुरू कर देते, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो मेरे को खूब इंटरेस्ट था क्योंकि फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से थी, तो खुद को बड़ा इंटरेस्ट था कि अरे यार ये किताबें कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे ये सब हो जाता है। बचपन में मैंने रेड्स होते हुए देखे थे, तो हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, उनके यहाँ इनकम टैक्स का रेड हुआ था, तो मुझे लगता था यार ये रेड कैसे हो गया, कैसे किसी को पता चल जाता है कि रेड हो गया है, मतलब ये कुछ समझ नहीं आता था।
ये था कि अच्छा, किसी ने फिर बोला कि नहीं, वो किताबें मेंटेन होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती है, तो कौन मेंटेन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंटेन करता है। तो लगा कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए। तो उस समय तो जेंट्स ही इतना चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते थे, लेडीज की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। तो मैंने अपने फादर को बोला, डॉक्टर थे मेरे फादर, तो मैंने उनको बोला कि डैडी मेरे को तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था हमारे घर में मेरे मामा जी लोगों का, तो वो बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे कहाँ तुम मुनीमों के साथ सारा दिन बैठोगी, ये तो मुनीमों के पास बैठ के काम करने वाला है, तो तुम ऐसा करो चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ दो, तुम उसकी जगह एमए इंग्लिश कर लो। और आपको मालूम ही है इंडिया में तो ये होता था, और स्पेशली पंजाब में तो ये होता था कि जो कैरियर्स होते थे नॉर्मली तो लेडीज को पढ़ाया ही नहीं जाता था, गर्ल्स को पढ़ाया ही नहीं जाता था, और अगर पढ़ा भी दिया तो हम कहते थे चलो तुम डॉक्टर बन जाओ ज्यादा से ज्यादा, या टीचर बन जाओ, है ना, इसके ज्यादा नहीं होता था। लेकिन मन में ये था नहीं यार, कुछ तो चैलेंजिंग करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है, ये नहीं समझ आ रही थी कि क्या चैलेंजिंग करना है। खैर एमए इंग्लिश शुरू किया, तो एमए इंग्लिश शुरू किया तो मार्क्स आ गए उसमें, अच्छे खासे मार्क्स आ गए। इंग्लिश में लिटरेचर में 55% मार्क्स आ जाते थे यूनिवर्सिटी में, तो वाह 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 बहुत अच्छा हो गया। तो उसी से लेक्चरशिप मिल जाता था, तो आप कॉलेज में लेक्चरशिप कर लो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है लेक्चरशिप करते हैं, तो कॉलेज में मैंने लेक्चरशिप करनी शुरू की। लेकिन क्या होता था वो पता नहीं कैसे आप लोग पढ़ा लेते हो, गला दुखने शुरू हो जाता था जैसे उनको पढ़ाते थे, और इंग्लिश तो मतलब माशाल्लाह क्या हाल होता था, समझाते समझाते थक जाते थे कि भाई ऑफ लगेगा ऑन लगेगा, मतलब बहुत ही अजीब स्थिति होती थी। तो लगा कि मेरे बस का तो बात नहीं है। तो इन द मीन टाइम क्या हुआ कि मेरी एक कजन, उसने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया और वो इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो गई। तो जब वो सिलेक्ट हो गई तो सब लोग उसका बड़ा, वो ताऊ जी लोग, मेरे फादर लोग, मदर लोग, सब लोग, अरे नहीं, बीना का देखो कितना अच्छा है, अरे बीना का देखो कितना अच्छा है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर होगी। तो लगा शायद यही एक जिंदगी होती होगी। तो सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स दोनों सिस्टर डिपार्टमेंट्स है, मतलब दोनों के एग्जाम्स भी इकट्ठे होते थे, सब कुछ इकट्ठा होता था। तो चला चलो लगा कि हाँ ये किसका ये एग्जाम दे डालते। तो एग्जाम दिया, धीरे 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 देखा वो एग्जाम जैसे वो होता है, एग्जाम दिया, क्वालिफाई हो गए, इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, इंटरव्यू दे दिया, फिर वो शांत होके बैठ गए सब लोग। तो लगा अच्छा ठीक है सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर ये लगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपना कॉलेज की लेक्चरशिप करती रही मैं। तो सडनली एक दिन देखती हूँ घर में डाकिया आया, पहले डाकिया की चिट्ठियां आती होती थी, एक मोटा सा लिफाफा देके चला। तो अच्छा ये मोटा सा लिफाफा क्या, खोला तो देखा मतलब उसमें ये था कि डोजियर था, जिसको डोजियर बोला जाता है, एम्प्लॉयमेंट डोजियर बोला जाता है, ये डिपार्टमेंट में आने के बाद समझ आया कि उसको डोजियर बोला जाता है। तो उस डोजियर में पुलिस वेरिफिकेशन है और कुछ कुछ ऐसे वेरिफिकेशन है कि इनका कैरेक्टर सही है, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, वो सब हुआ हुआ तो कागज भेज दिए। फिर उसके बाद फिर शांति हो गई। फिर ऐसे अचानक ही एक दिन आया कि प्लेसमेंट के ऑर्डर आ गए कि आपको चंडीगढ़ में प्लेस कर दिया गया है। तो यहां से मेरे कैरियर का शुरुआत। तो ये बताइए, जैसे आपने अपने फादर मदर के बारे में बताया, आपके फादर डॉक्टर थे, आप बिजनेस फैमिली से थे, आपके कजन का जब सिलेक्शन हुआ तो उसका काफी आप पे इन्फ्लुएंस हुआ, तो क्या माहौल था घर में? ज्यादातर जो छोटे शहरों में अग्रवाल परिवार होते हैं उसमें कोई पढ़ाई का तो ज्यादा माहौल होता नहीं था पहले, तो क्या माहौल था आपके घर में? माँ बाप क्या करते थे, कैसा क्या सपोर्ट देते थे आपको? प्रैक्टिकली तो मेरे मदर तो कोई सपोर्ट नहीं देते थे, वो तो होम मेकर थी, तो उनको ये था कि अच्छा ठीक है पढ़ लो बस, ठीक है बी ए एम ए हो गया आप शादी कर देंगे, तो वो हिसाब था। फादर मेरे का ये होता था, हाँ वो जरूर उनका ये होता था कि अच्छा बताओ कितने मार्क्स आए, क्या है, किस सब्जेक्ट में है, बस इस टाइप से कुछ चलता रहता था। ऐसा कोई गाइडेंस वाला सिस्टम नहीं था कि हाँ आप ये लाइन में चले जाओ या वो लाइन में चले जाओ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो करना तो मैं सीए चाहती थी, लेकिन वो उन्होंने बोला कि नहीं, मुनीमों के साथ बैठ के क्या काम करोगे तुम,
इसका मतलब घर में कोई खास इस तरह से पढ़ाई का माहौल नहीं था, जो आप पढ़ लिख गए या जो आप अपने करियर में गए, वो हाँ तकरीबन अपने बेस पे ही निकल के आए। हाँ हाँ वो आप यही कह सकते हैं। हाँ इतना था कि उन्होंने ऐसे बहुत रोका नहीं कि ना पढ़ो, ये नहीं था, ये था कि पढ़ते जा रहे हो तो ठीक है पढ़ लो, मतलब वो ऐसा कोई बहुत वो बात नहीं थी कि हाँ बहुत बड़े हमने अचीवमेंट ले ली हुई है कि ये काम कर लिया है तो अचीवमेंट हो गया है। राइट। और क्या कहेंगे कि टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली थी या बिल्कुल 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 टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, हम चार भाई बहन हैं, चारों बहन भाई अपना अपना पढ़ते थे और पेपर देके आते, अपना पास हो गए तो हम बोलते देखिए हम पास हो गए, अच्छा कौन सा डिवीजन हो गया, फर्स्ट डिवीजन है, ओके फाइन ठीक है चलो अब अगली क्लास, ठीक है। तो मतलब वो चीज था। आपके परिवार के बारे में मैं कुछ और सवाल बाद में पूछूंगा आपसे, लेकिन आपने डिपार्टमेंट में बिल्कुल लोअर लेवल से शुरू किया और उसके बाद आपने एडिशनल कमिश्नर लेवल तक पहुंचे आप, मैं तो कमिश्नर लेवल तक पहुंची, उसके भी बियॉन्ड पहुंची, अच्छा और लोअर लेवल नहीं था, मैं आपको सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, नहीं नहीं ये बताइए। एक मिडल लेवल है, इंस्पेक्टर का जो लेवल है वो मिडल लेवल होता है जहां से ये शुरू होता है। ठीक है, तो क्या क्या जर्नी रहती है इंस्पेक्टर से कमिश्नर लेवल तक पहुंचने की? कई प्रमोशंस होती होंगी। जी हाँ इसमें कई प्रमोशंस होती है, इंस्पेक्टर से हम आयकर अधिकारी बनते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर। तो जब आप रिटायर हुए, आप कमिश्नर लेवल से रिटायर हुए थे। जी, मैं कमिश्नर लेवल से रिटायर हुई थी। ठीक है, तो जब आप अपने करियर में मुड़ के देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी क्वालिटी थी जो आप इतनी प्रोग्रेस कर पाए? हर आदमी जो इंस्पेक्टर बनता है वो कमिश्नर तो नहीं बनता होगा, तो आप कैसे राइज कर पाए? इसके लिए तो मैं भाग्य को भी वो दूंगी क्रेडिट, फिर अपना दृढ़ संकल्प, फिर अपना काम, मैं ऑनेस्टली अपनी ईमानदारी से मैंने ये समझ के काम किया कि काम मेरी पूजा है, तो मेरा ये मानना कि ये सब चीजें अगर हम कर मतलब करें तो निश्चित है कि आपको प्रमोशंस मिलेंगी मिलेंगी। अच्छा, तो आपने तो इतने और लोगों को भी देखा होगा जो आपके जूनियर थे, उनमें से कई ऊपर नहीं बढ़ पाए, कई आपके साथ के होंगे जो आपके साथ एडमिट हुए वो नहीं ऊपर बढ़ पाए, तो उनमें क्या दृढ़ संकल्प की कमी थी, ईमानदारी की कमी थी, मेहनत की कमी थी? क्या क्या आपको लगता है कि क्या? मैं तो भाग्य को ही ब्लेम दूंगी कि भाग्य ऐसा उनका निकला, हर एक आदमी अपने मतलब मैं एक चीज मानती हूँ कि कुछ चीजें आदमी को भाग्य पे भी होती है, आदमी कर्म करता चला जाता है लेकिन कभी कभी उल्टा समय शुरू हो जाता है, तो शायद वो उल्टा समय ही था उनका कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छा, और तो वैसे हमारे यहाँ एग्जाम्स भी होते हैं कि जैसे आपको जैसे इंस्पेक्टर भर्ती हुए तो उसके बाद आपको कंफर्मेटरी एग्जाम्स देने हैं, फिर प्रमोशन के एग्जाम्स देने हैं, तभी आप आयकर अधिकारी बन पाते हो, बहुत सारी छंटनी तो उसी लेवल पे हो जाती है। नीता जी, उसको हम मेहनत उसको तो हम मेहनत ही कहेंगे, सिर्फ लक तो नहीं कह सकते, वो तो कई लोग। हाँ मतलब सिर्फ लक नहीं है, मेहनत भी है कि उस स्टेज पे मेहनत है, उसके आगे लक है, उसके आगे लक है, क्योंकि फिर डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज है, कितना आपको कितनी फास्ट आपकी फाइल मूव हो रही है प्रमोशन के लिए। तो पहले जैसे कंप्यूटराइजेशन नहीं था तो शायद सिस्टमेटिक भी इतना नहीं हो पाता था, मतलब ये भी एक था। अब आजकल कंप्यूटराइजेशन के बाद ट्रांसपेरेंसी आ गई हुई है हर काम में, और उस ट्रांसपेरेंसी के बल पे आपको पता होता है कि हाँ आपका अब क्या लेवल आने वाला है, मतलब जैसे जैसे कंट्री इवॉल्व हुआ है, सिस्टम इवॉल्व हुए हैं, डिपार्टमेंट इवॉल्व हुआ है, ऐसे ऐसे करके ट्रांसपेरेंसी भी बहुत आ गई हुई है और आपको पता होता है कि हाँ अब आप यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नीता जी, ये बताइए, जब मैं इंडिया में यंग लोगों से बात करता हूँ तो कई बोलते हैं कि सब अप्रोच की बात है, सब सब किस, तो आपका नहीं तो कोई नहीं नहीं गॉडफादर नहीं था, कोई गॉड मदर नहीं था, मेरा आप तो कोई कैसे? गॉडफादर नहीं था, मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं था, फ्रैंकली एडमिटिंग सब कुछ जो मैंने किया मेहनत के बल पे, अपने परिवार की सपोर्ट के बल पे और भाग्य के बल पे, मैं ये बात जरूर बोलूंगी। अपना मतलब मेरा तो हमेशा ये मानता रहा है कि लोग कहते हैं पूजा कीजिए,
तो मैं हमेशा ये कहती थी, अरे मैंने काम कर लिया तो बस मेरी पूजा हो गई है ना। तो मतलब जो काम हमारे को अगर हिंदू हम धर्म में सिस... कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क जी इज जी जी वर्शिप। यस, मैं उसी के बेसिस पे चली। और मुझे लगता है कि अगर हम कर्म को पूजा की तरह मान के करिए करें तो सफलता निश्चित है लाइफ। कोई भी ठीक काम है, ले लीजिए, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़िए, आप लाइफ में भी कोई भी काम लीजिए, तो अगर आप कर्म को पूजा मान के चलते तो आपको सफलता निश्चित है। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत देर हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि नहीं मिलेगा, सफलता ठीक है नहीं जी। मिलेगा। अच्छा ये बताइए, जब मैं आपसे मिला तब आप ऑलरेडी असिस्टेंट कमिश्नर थे, अच्छे पद पे एडिशनल थे, कमिश्नर थी तब मैं, एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर थे, अच्छे पोस्ट पे थे, रिटायरमेंट में भी थोड़े ही साल बाकी थे, तब भी आपने एमबीए में एडमिशन लिया, ऐसा क्यों किया आपने? क्या क्या थिंकिंग थी आपकी? लाइफ में ना हमेशा मैंने यही सोचा है कि एक बार मैं बैठी हुई वॉरेन बफेट पढ़ रही थी, तो उनके हिसाब से ये था कि मतलब एक बात मुझे बड़ी स्ट्राइक की उसमें। वो कहते हैं, अच्छा जब मैं मरूंगा ना तो लोग कहेंगे, ओह ही इज डेड, आई कांट बिलीव कि ही इज डेड। उनका कहने का मतलब ये था कि अच्छा डेथ हो गई है, अब काम नहीं कर रहे, ऐसा मान नहीं सकते, काम तो करते रहते हैं। मतलब उनका स्पिरिट ये है कि काम करते रहो। तो मुझे भी ये लगता था नहीं, ये करते रहना चाहिए। एमबीए करने का मेरा ये था कि मैं कायदे से मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में रिसर्च करना चाहती, राइट। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन में रिसर्च करना चाह रही थी, तो मेरा एक नेफ्यू आया, मैंने उसको बोला, सुनो अभिषेक, मैं ना, तुम तो यंग बच्चे हो, तुम यूपीएससी की ट्रेनिंग भी देते हो, तो मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में पीएचडी करना चाहती हूँ, क्या इसका कैसा सिस्टम कैसा रहेगा। तो बोला, मौसी क्या है, आप इसको अगर करोगे ना पीएचडी करना, तो अच्छी इंस्टीट्यूट से करना, आईआईटी या आईआईएम से करना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं आईएम में गई पता करने, पता चला कि यहाँ पे देहरादून में आईएम काशीपुर का एक स्टडी सेंटर है, वहां पे मैं गई। तो मैंने उनसे बात किया, तो वो बोले जी 60% मार्क्स के बिना हम आपको पीएचडी नहीं करने देंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, मैं तो एमए लिटरेचर किया था, लिटरेचर में 55% मीन्स दुनिया जीत ली है आपने, तो 55% बोले नहीं 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 हम तो ना एक थंब रूल से चलते हैं, 55% मार्क्स है तो आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप ऐसा कर दो, क्यों नहीं करते, आप एमबीए कर लो, 2 साल ही तो लगने हैं, एमबीए करोगे और उसके बाद आपका पीएचडी हो जाएगा। घर आई, सोचा, हस्बैंड से बात किया, हस्बैंड बोले भाई देख लो, तुम अगर तुम कर सकते हो, 2 साल बहुत लंबा टाइम है और प्रेशर्स भी बहुत होते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि एमबीए भी कर लेना चाहिए, और आईएम से हो रही है तो नथिंग लाइक इट देहरादून में। मतलब इंडिया में तो ये है कि आईएम पे एमबीए तो मीन्स समथिंग। तो फिर लगा एमबीए कर लेते हैं। तो बेटा मेरा बीच में बोला कि मम्मा ऐसा है, आप ये भी देखना कि आप तो इतने एज के हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यंगर जनरेशन के ब्रेन में घुसने के लिए कि वो क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, वो क्यों एमबीए करना चाहते हैं, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप अवेल करके देखो, ना अच्छा लगा तो छोड़ देना, अच्छा लगा तो करके देखना, तो आप इंजॉय कीजिए करेंगे। फिर लगा ठीक है कर सकते हैं, तो कर लिया, इस हिसाब से किया। और फिर उसके बाद ये सोचा कि पीएचडी करेंगे, लेकिन पीएचडी कर नहीं पाई, उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी कि क्यों नहीं कर पाई। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने 2 साल एमबीए किया, आपने जैसे कहा कि यंग लोगों के साथ आपको उनके उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनके साथ पढ़ने का मौका मिला, क्या लगा आपको? कैसा लगा आपको? क्या सीखा और क्या आपको लगा कि यार नहीं, ये तो मजा नहीं आया? यहाँ जो मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज थे ना, मोस्टली उनका ये एटीट्यूड था कि हाँ हम एमबीए करते हैं, हम जॉब में जाओ, जबकि एमबीए का मतलब तो ये होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। हमारे जो यहाँ के डीन थे मिस्टर पादी, तो मैं अक्सर हम दोनों आपस में बातें करते होते थे कि वो बोलते थे जितना फायर आप में है मैं इन बच्चों में नहीं देखता। तो मैं बोलती थी हाँ सर, वो फायर नहीं है इनमें,
वो एंटरप्रेन्योरशिप का फायर होना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से क्या है कि आप किसी को जॉब देने वाले बनते हैं, और उस चीज की शायद इंडिया में बहुत जरूरत भी है कि इफ यू बिकम जॉब क्रिएटर। तो वो चीज एक लैकिंग थी बच्चों में, बाकी तो ठीक है, सब नॉर्मल चल रहा था, कोई ऐसा वो नहीं था। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जो वो जो पीएचडी नहीं आपने किया वो क्यों नहीं किया, जबकि आपका प्लान तो था करने का। मेरा प्लान तो बड़ा जबरदस्त था कि पीएचडी करूंगी, और इंटरनेशनल टैक्सेशन में पूरे इंडिया में किसी ने पीएचडी किया भी नहीं हुआ था। तो अब इंस्पेक्टर भी जब मैं बनी थी तब भी लेडीज क्योंकि बहुत कम थी, तो ये था कि मैंने जिस चार्ज में ज्वाइन किया तो लोग कहते थे फर्स्ट लेडी फर्स्ट लेडी फर्स्ट लेडी हु इज ज्वाइंड एज इंस्पेक्टर। तो मुझे लगता था यार मैं भी पीएचडी करूंगी तो मैं भी फर्स्ट पर्सन होंगी जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में पीएचडी करूंगी। तो लकीली अनलकीली एमबीए करते हुए लॉ का पेपर आया। अब लॉ को पढ़ाने के लिए हमें मिस्टर चमनलाल बंसल आए, वो शायद 1976 या 1979 बैच के आईआरएस ऑफिसर थे। तो उन्होंने 2 साल आईआरएस किया और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो जब भी क्लास होती उन्होंने बोला मैडम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए था। तो मैंने कहा अच्छा सर देखती हूँ, लॉ ग्रेजुएट हुई उन्होंने, मैं बोलती थी सर मेरे तो पीएचडी करने की बड़ी तमन्ना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में पीएचडी कर लूंगी तो वो लॉ वाला ही काम हो जाएगा। बोले नहीं नहीं मैडम आजकल ना क्या है इनसॉल्वेंसी का बहुत चला हुआ है। तो आप मैं बोले मैं भी इंसॉल्वेंसी का पार्ट रहा हूँ, तो आप इंसॉल्वेंसी करके देखिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर सोचेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी करते हैं। तो करते करते एमबीए का लास्ट सेमेस्टर आया, उसमें प्रोजेक्ट तैयार करना था। अब किसी ने इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट लिया, किसी ने कोई प्रोजेक्ट लिया, किसी ने कोई लिया। तो चमनलाल बंसल सर का ये था कि आप ना मैडम ऐसा करो इंसॉल्वेंसी का प्रोजेक्ट लीजिए, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इंसॉल्वेंसी के एग्जाम्स दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है दिस नो हार्म प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट किया, इंडिया में एक सबसे बड़ा केस हुआ है इंसॉल्वेंसी का एसआर स्टील्स का, ESSAR एसआर स्टील्स का केस है। वो शायद आज तक का इंडिया का मैक्सिमम टर्नओवर इन्वॉल्व केस था। तो और शुरू शुरू था इंसॉल्वेंसी का क्योंकि 2016 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसमें था मेरा टॉपिक था एब्सोल्यूट प्रायोरिटी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा, और लगा यार ये तो और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अकेली लॉ तो एक सिविल क्रिमिनल तो हर कोई कर लेता है, टैक्सेशन भी हर कोई कर लेता है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इसको करते हैं। खैर मैंने 2020 में अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, राइट, सारे सब जगह बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, ऑफिसेज भी मोर और लेस बंद ही थे, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। तो हम लोगों को भी एक एक लैपटॉप ड्यूरिंग उसमें दिया गया जो कि वर्क फ्रॉम होम वाला कंप्लायंट था, तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम करके काम कर रहे थे, फेसलेस काम कर रहे थे। तो वो काम करते करते अब काम उसमें क्या होता था जल्दी जल्दी काम हो जाता था, फिर लगता था अब क्या करूं मैं। तो लगा चलो इंसॉल्वेंसी का करना शुरू करते हैं, उसका सिलेबस पढ़ना शुरू किया। तो देखा ओ बाबा रे 19 एक्ट लॉ, मतलब इट वाज लाइक मोर देन डूइंग लॉ। तो पीएचडी तो कहीं दूर रह गई और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गई मैं। राइट तो क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं हु आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ठीक है, तो लगा यार ये भी बहुत अच्छा है इसको करते तो अब आप इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, जी। ठीक है, और कैसा लग रहा है ये लाइफ का नया फेज आपको एज इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? अभी तो अच्छा ही लग रहा है, हालांकि मैंने अभी कोई केस किया नहीं है फुल फ्लेज्ड, लेकिन मेरे ऐसे है कि मेरे लेक्चर्स होते रहते हैं जगह जगह इंस्टीट्यूट्स में कि अगर केसेस इनसॉल्वेंसी में हों
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स ऑफिसर्स की क्या रोल है? गॉट इट, ठीक है। तो आपकी जो पुराना एक्सपीरियंस है उस पर भी आपने बिल्ड किया, और जो आपने नई जी क्वालिफिकेशन ली वो भी दोनों को कंबाइन हो गया। जी दोनों को कंबाइन किया, तो अभी बारी बारी कभी कहीं लेक्चर होता है तो कभी कहीं होता है, तो इट इज अ इंटरप्ले बिटवीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है जी, ठीक है। तो नीता जी, अब हम थोड़ा सा अपना क्वेश्चंस की डायरेक्शन शिफ्ट करते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल। बात करते हैं अब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में। आपने भी अजय देवगन की रेड फिल्म देखी होगी, मैंने भी देखी है, और लाखों बिल्कुल लोगों ने देश बिल्कुल में देखी है। बिल्कुल 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 क्या बिल्कुल रेड फिल्म आईटी डिपार्टमेंट को सही पोर्ट्रे किया गया है या गलत पोर्ट्रे किया गया है, या फिल्मों में आईटी डिपार्टमेंट को ठीक पोर्ट्रे करते हैं या नहीं करते? देखिए, रेड मूवी में तो सही पोर्ट्रे किया गया है, उसमें पोर्ट्रे किया भी जाना चाहिए था सही, क्योंकि वो एक सच्चाई पे आधारित मूवी थी। अच्छा, जी हाँ, सच्ची सच्ची ये घटना पे आधारित है। सच्ची घटना पे आधारित मूवी थी, मतलब एक्चुअली ये हुआ था। हालांकि उसमें उस जिस टाइम ये हुआ था तो उस टाइम इतना सामान तो नहीं मिला था, जैसे वो दिखाते हैं कि वो छत थोड़ी तो गोल्ड के बिस्किट्स निकल रहे हैं, और लेकिन उस टाइम के हिसाब से मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो मूवीज में दिखाते हैं मोटा मोटा ठीक ही दिखाते हैं, ठीक ही अच्छा, दिखाते हैं। हाँ तो ये जो मूवी है ये भी यूपी बिहार सॉर्ट ऑफ एरिया में इस्टेब्लिश ये थी, यूपी की मूवी है, उत्तर यूपी की, प्रदेश की मूवी है। उत्तर जी प्रदेश। और आपने भी तकरीबन उसी एरिया में काम किया है, जी तो जी क्या जी आपको मूवी देख के लगा कि हाँ यार ये तो हम में से किसी की भी ऐसे ही हो सकती थी स्टोरी? होती है, हो नहीं सकती थी, होती है, होती अच्छा, तो आपने इतने है। साल काम किया वहां पे, क्या आपको अगर भी आप कोई न्यूज ऐसी नाटकीय घटना हुई आपके भी करियर में? देखिए, इसमें सबसे नाटकीय चीज क्या थी कि घर का आदमी इन्फॉर्मर था, राइट? तो ये तो घर का भेदी लंका ढाए तो रामायण समय से चलता चला आ रहा है। और इनकम मतलब जब रेड्स होते हैं, ये हमेशा घर का भेदी ही होता है जो आके डिपार्टमेंट में बोलता है कि अच्छा, ये कॉमन है। अच्छा, कोई यहाँ, ये बहुत कॉमन चीज है, डिसग्रंटल्ड बंदा होता है घर में, बाप बेटा भी हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है, जीजा साला भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नहीं तो डिपार्टमेंट में लोगों को बैठे हुए क्या पता चलता है कि किसके घर में क्या पल रहा है? अच्छा, ये तो आज मुझे एक नई बात आपसे पता लगी। अच्छा चलिए, एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात उसमें ये दिखाया कि इतना जब वो रेड कर रहे हैं तब भी बहुत प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है कि आपको ये एक्शन, इनको वापस बुला लो, इनको कहो कि छोड़ वापस चले जाएं, ऐसा भी होता है? हाँ, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी टीम का घेराव भी हो जाता है। बहुत साल पहले ये हम भी सुनते ही हैं, अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देखा है। एक बार एक पर्टिकुलर स्टेट में हुआ तो वहां ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया गया था, तो फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन से उनको रिलीज करवाया गया। ये होता है, मतलब आप देखिए ना कि रेड का मतलब क्या है, कि आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। रेड के दौरान आपका पर्सनल सर्च अलाउड होता है, नॉर्मली तो हम किसी को पर्सनली सर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुआ, आपके घर को सर्च करना है, मतलब राइट टू प्राइवेसी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो हर आदमी रिजिस्ट तो करता है कि उसका फंडामेंटल राइट को क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो नीता जी, आपने इतने साल काम किया है आईटी डिपार्टमेंट में, और आप कह रहे हैं मूवीज भी मतलब एक तरह से रियलिस्टिक ही दिखाती हैं आईटी डिपार्टमेंट को, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव है आपके ख्याल से आईटी डिपार्टमेंट में, जो आईटी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट के?
क्योंकि घेराव भी आप कहते हैं हो सकता है, इवन किडनैपिंग भी आपने सुना है कि हो चुकी है, ये तो क्या हाँ पॉजिटिव हाँ नेगेटिव है? ये सब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी अलग अलग सेक्शंस है, ऐसा नहीं है कि सब सेक्शंस में ही सब होता है। इट इज वन पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें कि ये होता है, ठीक है, मतलब होने की चांसेस हो सकते हैं, सब सेक्शंस में नहीं होता है। तो जिसको बहुत, अब आदमी का नेचर तो विभिन्न तरह का है, जिसको डेयरिंग जॉब पसंद है वो आदमी उस सेक्शन में जाता है, जिसको नहीं पसंद है तो आदमी कूल पोस्ट ले लेता है। अच्छा, अपनी अपनी चॉइस है, चॉइस प्लस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये बताइए कि आजकल एक काफी ट्रेंड वर्ल्ड वाइड चल रहा है हर जगह कि जो गवर्नमेंट है ये पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, कि हमारे मिनिस्टर भी आजकल ट्वीट करते हैं। आपने, आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी तो फेमस थी कि वो ट्वीट पे आप उनकी हेल्प मांगे वो फटा। यस क्या आईटी यस डिपार्टमेंट में भी पीपल फ्रेंडली होने पे कोई एम्फेसिस है, या आईटी डिपार्टमेंट वर्ल्ड वाइड ही बाय डेफिनेशन नॉन पीपल फ्रेंडली है? नहीं, अभी तो बहुत पीपल फ्रेंडली हो गया है। ये जो जैसे मैं आपको कोरोना में बता रही थी, इन्होंने क्या कर दिया, लोगों को बहुत ये बड़ी शिकायतें रहती थी, अरे नहीं वो केस कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अच्छा ठीक है, हम फेसलेस कर देते हैं, कि ना डिपार्टमेंट में कोई आएगा ना डिपार्टमेंट से कोई जाएगा, सिवाय एक पर्टिकुलर विंग जहां से रेड्स होती है, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि केसेस भी ऐसे कर दिए हुए हैं कि बॉम्बे का केस कहीं होगा, कैलकटा का केस कहीं होगा, कि जो असेसिंग ऑफिसर हैं जो आपका पूरा निर्धारण करते हैं ये कर का, वो पहले तो ये होता था कि बॉम्बे का ऑफिसर बॉम्बे में ही करता था, अब उन्होंने कर दिया कि नहीं, कहाँ के केस कहीं और जाते हैं। तो जो जिसका केस होता है उसको पता ही नहीं चलता कि कहाँ केस हो रहा है उसका। तो उसे यह है कि आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, ऑफिसर ने ऑनलाइन आपसे क्वेरी करनी है, आपको ऑनलाइन जवाब देने हैं, ऑनलाइन के बेसिस पे आपका निर्धारण होके आपके पास पहुंच जाएगा। और उसका भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसके लिए ये नहीं है कि आदमी को ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं, वो सब नहीं है। रिफंड्स भी जल्दी आने लग गए, उसके लिए भी बहुत लोगों को शिकायत रहती थी कि रिफंड नहीं आता जल्दी, रिफंड नहीं आता। अब तो गवर्नमेंट ये हफ्ते 10 दिन में आपको रिफंड दे देती है, आप रिटर्न फाइल कीजिए, हफ्ते 10 दिन में रिफंड दे देती है, कोई ऐसा नहीं है। तो पीपल फ्रेंडली हो ही गया है, मोटा मोटा इंडिया में तो हो गया है पीपल फ्रेंडली। और आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका रिटर्न फाइल हो गया है, आपको रिफंड आया, तो आपको फिर मोबाइल पे मैसेज आता है आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है, रिफंड आ गया है, आपके बैंक में क्रेडिट हो गया है। मतलब हर चीज ये पीपल फ्रेंडली के ही संकेत हैं। राइट, तो आपने तो इतने साल काम किया, 35 से 40 साल, तो आपको क्या लगता है कि ये पीपल फ्रेंडली होने से जो एक रेपुटेशन थी करप्शन की आईटी डिपार्टमेंट में, वो कम हुई है, और या वो करप्शन जो रेपुटेशन थी वो गलत थी? ये मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो करूंगी, करप्शन तो मेरे को लगता है ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वो नहीं है। जो अगर आप कोई करप्शन की बात करते हैं तो इट इज अ सोसाइटल फिनोमेना, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो उसमें छोटा सा, मतलब बिल्कुल मिनिस्क्यूल पार्ट है। और ये हर इंडिविजुअल की चॉइस भी रहती है कि कोई करप्ट करप्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करता है, कोई नहीं करता अडॉप्ट, कोई किसी को कंपल्शन नहीं होती है। ये अच्छा, हर सोसाइटी का हिस्सा है, हम सोसाइटी का हिस्सा है, जिसको जैसे संस्कार मिले वो वैसा एक्ट करता है। तो पीपल फ्रेंडली होना क्या आप समझते हैं कि एक वेलकम चेंज है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावेबाजी है? नहीं, मेरे हिसाब से एक बहुत वेलकम चेंज है। तो इसमें क्या है कि जो छोटे शहर के ऑफिसर्स हैं उनको बड़े शहर के असेसमेंट्स करने का मौका मिल रहा है, जो शायद कभी उनको मिलता ही ना। बड़े बड़े केसेस आप देखिए कि बहुत, इंडिया तो आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों से भरा हुआ है, तो वो बड़े बड़े केसेस उनको छोटे शहर के रहने वाले ऑफिसर्स को मिलते हैं। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी होती है जो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं होती हैं, फिर वो उसमें पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, पढ़ के फिर वो उसको आगे चलते हैं। तो इससे क्या है कि वो अपने नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। अच्छा, ये तो कभी मैंने सुना ही नहीं ये बात, आज आपने एक और नई बात बताई कि
कि इससे जो है जो ऑफिसर्स की लर्निंग है वो भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि दे आर बिल्कुल वो ऐसे केस कर रहे बिल्कुल, हैं जो पहले वो करते ही नहीं थे। मतलब वो सोच ही नहीं सकते थे कि उनके वो उनको कभी मौका भी मिलेगा ऐसे केसेस करने। अच्छा, तो नीता जी अब हम थोड़ा सा डायरेक्शन और चेंज करते हैं, क्योंकि मेरी एक बात में बहुत रुचि है। आप एक महिला हैं, वर्किंग वुमेन थी, विवाहित हैं, हैप्पीली मैरिड, मैं तो आपके हस्बैंड से ही मिला हूँ, हैप्पीली मैरिड हैं, बच्चों से भी काफी अटैच्ड हैं आप अपने बच्चों से, तो मैं कुछ उस बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि क्या वर्क और फैमिली को बैलेंस करना मुश्किल था आपके लिए? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि बहुत स्मूथ था, लेकिन इसमें मेरे को मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग रहा, बहुत ज्यादा। मतलब जैसे मैं ये कहूंगी कि अगर मैं 90% थी तो उनका 100% सहयोग था। और मैं जॉब करने के लिए जो क्रेडिट है, ये नहीं कि मैं अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही हूँ, मैं उनकी पीठ पीछे भी ये बात बोलती हूँ कि अगर मैं विभाग में नौकरी कर सकी, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं कभी भी किसी भी विभाग में अगर नौकरी करती तो उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत 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 सहयोग रहा। जबकि वो खुद भी देखिए अच्छे हमारी तो करियर में जॉब थे, भी ऐसी उनकी थी, अपनी खुद की भी बिजी जॉब थी जहां तक उनके मैं अपनी समझा। खुद की भी बहुत बिजी जॉब थी, वो ONGC में जॉब करते थे तो खुद भी उनका अपना रहता था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही और परिवार वालों का सहयोग रहा कि हम अपने बच्चों को बड़े आराम से पाल के ले गए। बच्चों की बहुत डिमांड्स रहती थी, ये होता था खुद भी थक जाती थी, बोलते थे मम्मा ये नहीं खाया है, तो मैं अच्छा कोई बात नहीं है ना, आपको मिल जाएगा ये खाने को, चिंता मत करो फिर मिल जाएगा। तो मैं रात को, चाहे रात को बनाती चाहे कुछ भी करती, वो कर करा के मैं उनको, मेरी ये कोशिश रहती थी कि बच्चों को मिल जाए। फिर हमने ये किया कि एक चीज हमने बहुत रखी कि बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाने का काम खुद हमने अपने हाथ में लिया हुआ था, जिससे ये रहता था कि हमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका रोज हर सेकंड मिलता था। फिर बच्चों की ये डिमांड रहती थी कि आप खेलने भी हमारे साथ चलो, तो हमें अच्छा ठीक है हम खेलने भी चलते हैं। एक चीज जरूर मैं ये सोच के चली कि सुबह 9:30 अगर ऑफिस शुरू होता था तो 9:25 पे मैं ऑफिस पहुंच जाती थी, और शाम के 6 बजे तक ऑफिस है, तो 9:25 से लेके 6 बजे तक काम करते थे। उस बीच में मैं कोशिश ये होती थी कि काम जितना रोज का रोज सोचा हुआ है वो निपटा लेना। जब काम निपट जाता था तो घर में आके कोई प्रेशर नहीं रहता था, आना घर तो फिर ये होता था ऑफिस भूल के बच्चों में रम जाना। तो नीता जी आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने काफी सहयोग किया, लेकिन आपने ये भी कहा खाना भी आप बनाते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे और बच्चों के साथ खेलने भी जाते थे, तो वो क्या सहयोग करते थे फिर? हमारी सोशल लाइफ नहीं थी, बस हमने सोशल लाइफ का जरूर सेक्रीफाइस किया। वो मेरे को लगता है उस टाइम में वो रिक्वायर्ड था, तो जैसे मैं सब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकती थी, इंग्लिश पढ़ा ली, हिंदी पढ़ा ली, तो हस्बैंड मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। आज भी मेरी डॉटर, मुझे याद है पीछे कुछ बात हुई तो मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड ने पूछा बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा ये कुछ इशू आ रहा है, बोले पापा आपने ये मेरे को पढ़ाया नहीं था ना, इसलिए मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है। अच्छा, तो ये रहा है हमारा। काफी महिलाएं कहती हैं कि इन लॉज की वजह से वो काम नहीं कर पाते या इन लॉज का सपोर्ट नहीं रहता। आपकी लाइफ में इन लॉज का क्या रोल रहा या क्या सपोर्ट रहा उनका? मैं, अगर आप मेरे से पूछे मैं MBA कर पाई तो शायद अपने मदर इन लॉ की वजह से कर पाई। मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर बनी तो मैं अपने मदर इन लॉ की वजह से बन पाई। वो कैसे? इतना उनका सपोर्ट रहा। उनका ये होता था कि अच्छा आज तेरी क्लास होगी, अच्छा ठीक है तू जा। आपको तो पता है MBA में क्या होता था, रात में हमको केस स्टडी देना, सुबह तक आंसर्स लेके जाना, है ना, कितना प्रेशर रहता है IIMs में ये चीज का। तो उन्होंने, मतलब मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में था उस टाइम, मैं और मेरे मदर इन लॉ ही रहते थे घर में, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तेरा भी एग्जाम है तू पढ़ ले, तेरे को क्या चाहिए, खाना मैं तेरे को दे देती हूँ ये। फिर नहीं 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 मम्मा बस सब ठीक है। मतलब क्या बताऊं मैं कुछ, मतलब अगर हमारा, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कन्वोकेशन हुआ वो ऑनलाइन हुआ, अगर
ऑफलाइन होता तो मैं प्रेफर करती कि मैं डिग्री अपने मदर इन लॉ के हाथ से ले। अच्छा, वेरी गुड। तो ये तो अभी की बात है, 3-4 साल पहले की, तो उनकी तो काफी उम्र होगी, हाँ, शी इज 86 years old। और तब भी वो आपको इतना सपोर्ट कर पाए। जी, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के एग्जाम में ये होता था कि मैंने जैसे आपको बताया 19 एक्ट प्लस एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड प्लस केस स्टडीज, केस लॉज, मतलब क्या बताऊं क्या सिलेबस। इतना सिलेबस तो मेरे लगता है आईआईटी एंट्रेंस के लिए भी नहीं होता होगा, मतलब इतना टफ होता था। उसमें ये होता था मैं सुबह से पढ़ने बैठती थी तो रात तक लगातार चलता था पढ़ना 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 पढ़ना। तो उनका ये सपोर्ट रहता, अच्छा ठीक है तू पढ़ ले, घर का ध्यान मैं रख लूंगी, तू चिंता मत कर। नीता जी, हमारे अग्रवाल समाज में तो काफी रिश्तेदारी भी रहती है, लोगों से ब्याह शादियों में जाना और ये खुशी गमी में जाना, लोग मिलने भी आते थे, तो पहले तो कई कई दिन रिश्तेदार रुकते थे, अब तो चलो ट्रेंड कम हो गया। तो फिर आप दोनों तो वर्किंग थे, तो कैसे मैनेज करते थे ये सब? सर बस मैनेज हो गया, सब कुछ मैनेज हो गया, लेकिन कैसे? ऊपर नीचे करते हुए हो गया बस। मतलब मैं तो आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद भगवान का बहुत सपोर्ट रहा, उन रिश्तेदारों का भी बहुत सपोर्ट रहा कि वो लोग कोशिश करते थे कि सैटरडे संडे में आए, तो सैटरडे संडे हमारा छुट्टी होता था तो बस निभ गया। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ठीक रहा, या आपको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे परिवार पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, काम पे कम देना चाहिए था, या मैंने गलत डिसीजन लिए? क्या लगता है आपको? क्या आप प्राउड है अपने डिसीजन से या नहीं प्राउड? नहीं, आई एम वेरी प्राउड कि मैंने ये डिसीजन लिए, और मेरे हिसाब से हर औरत को काम करना चाहिए अच्छा, क्योंकि क्योंकि लाइफ एक ही बार आती है, लाइफ एक ही बार आती है। मैं ये नहीं कहती कि 9 to 5 करो या 9 to 6 करो, लेकिन उसको, उस औरत को अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने के लिए जरूर काम करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को इग्नोर करके करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों को अच्छा नहीं बनाएंगे तो फिर कोई भी कंट्री प्रॉस्पर नहीं कर सकता। अक्सर ये होता था, लोग मेरे को पूछते थे मैम कैसे करोगे आप, तो मैं कहती थी हर माँ बाप ना अगर 2 बच्चों को अपने को अच्छा बना लेना तो देश तो हमारा महान हो ही जाएगा। मतलब ये वर्जन मेरा, आप डिपार्टमेंट में किसी से भी जाके पूछिए तो मेरा हमेशा ये वर्जन रहता था, अरे अपने अपने 2 बच्चों को हम संभाल ले, उनको अच्छा इंसान बना ले तो देश तो अपने आप महान हो जाएगा। ठीक है। तो नीता जी, आज भी मैं अगर अपने अग्रवाल कम्युनिटी में देखूं, अपने नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में देखूं, तो मैरिड वुमेन, जब खासकर बाल बच्चेदार हैं, तो काफी कम ट्रेंड है वर्किंग करने का। तो जी, आपको भी ये दिखता है? आपको भी ये बात चुभती है? आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन है? मुझे बिल्कुल चुभती है, बिल्कुल चुभती है। मतलब अगर कोई मेरे मन की बातें पूछे ना तो मैं तो ये कहूँ कि मतलब जो हाउसवाइफ होती है उसको लगता है कि मेरे को ये भी नौकर मिल जाए, वो भी नौकर मिल जाए, वो भी मिल। मैं ये नहीं कहती कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, खुद करना चाहिए और कुछ 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 छोटा सा काम करना चाहिए। अदरवाइज क्या काम करेंगे आप, बातें करेंगे, बातें करने में क्या करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, कुछ करेंगे, वो टाइम एक वो नेगेटिव एनर्जी खुद पलट के आती है, पलट के आती है, और वही अफेक्ट वही आपके घर के लोगों को भी अफेक्ट करता है। अगर आप किसी काम में लगेंगे तो आपको लगेगा नहीं, मुझे अब और आगे बढ़ना है, अब और आगे करना है, अब इसको और आगे करना है। मैं ये नहीं कहती कि हमें एम्बिशियस होना चाहिए, एम्बिशियस मतलब बहुत थिन लाइन आती है इसमें, एम्बिशियस नहीं, लेकिन हाँ हमको एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के काम जरूर करना चाहिए। उससे क्या रहते हैं, मतलब एमबीए करने का एक ये भी पर्पस रहता था मेरा कि मैं अपने बच्चों के साथ मैच नहीं कर पाती थी, बच्चे बहुत आगे निकल गए थे तो लगता था यार ये क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि मैं तो खुद वर्किंग होते हुए भी डिपार्टमेंट में हमेशा एक्टिव रहते थे, रोज अपना इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना, सब पढ़ना, मतलब ये लगता था इकोनॉमी के साथ वेल वर्स रहना, फिर भी ये लगता था कि यार हम तो बच्चे बच्चे तो बहुत आगे निकल चुके हुए।
वो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती थी। एमबीए करते 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 लगा कि हाँ, मैं बच्चों के साथ, जो मेरे बेटे ने मुझे बोला था ना, बच्चों के दिमाग में घुस के देखना क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं अपने घर के बच्चों के दिमाग में घुस के जरूर देख पाई कि वो क्या हो रहा है। अच्छा, वेरी, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। तो नीता जी, अब हम मुड़ते हैं तकरीबन अपने वार्तालाप के आखिरी पड़ाव की तरफ, और जी आखिरी पड़ाव में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आप रिटायर्ड हैं तो जी अपने इनकम टैक्स जॉब से, तो क्या सारा दिन घर पे बैठ के बतियाना, गॉसिप करना, चाय पीना, नौकरों से काम लेना, या कुछ और करते हैं? मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के साथ साथ मैंने एक और इंटरेस्ट पाला है। मैं इसको इंटरेस्ट पालने की बात करूंगी। शायद आपने सुना होगा प्राणिक हीलर, इट इज सॉर्ट ऑफ रेकी, रेकी कि आप दूर बैठ के किसी को हील कर सकते हैं, अच्छा, राइट? तो वो उसको करना शुरू किया पिछले 8-9 महीने से। वो बहुत टाइम इन्वॉल्विंग काम है, उसमें आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, आपको प्रेयर्स करनी पड़ती हैं, और आप अपने कोर्सेज करते रहते हैं, ट्रेनिंग्स करते रहते हैं। हालांकि बहुत छोटे छोटे टाइम की ट्रेनिंग्स होती हैं, 1 दिन की ट्रेनिंग हो गई, 3 आवर्स की ट्रेनिंग हो गई, तो वो सब हम करते हैं और दोनों चीजें साथ साथ चलती है। ऐसा लगता है शौक भी पूरे होने चाहिए। और मैंने सुना था कि आप कोई इंस्टीट्यूट के साथ भी इन्वॉल्व हैं, एज बच्चों को पढ़ाने वगैरह में। हमारा एक फाउंडेशन है, पगडंडी फाउंडेशन के नाम से है, जिसमें हम विमेन एम्पावरमेंट का करते हैं। जैसे गांव में जिनके हस्बैंड्स अल्कोहलिक हैं, एक गांव एडॉप्ट किया हुआ है, उसमें क्या है, मोस्टली जो जेंट्स हैं वो अल्कोहलिक हैं, और अच्छा, उनकी वाइफ्स को हम लोग कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। अब देखेंगे, बड़ा अच्छा लगता है कि वो होली आएगी तो होली के रंग बनाती हैं, तो हम उनको मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, अच्छा छोटा तो सा है, और उनके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे अगर पढ़ सके। लेकिन घर में क्या होता है, एक माहौल ऐसा है कि हस्बैंड अल्कोहलिक है, बीवी को मारता है, तो स्कूल टाइम में कितना हम बच्चे को उसको ध्यान डाइवर्ट करके लेके जा सकते हैं। राइट, तो अभी जब आप अपने आने वाले सालों को देखती हैं कि अगले 2 3 साल, 5 साल 7 साल मेरा क्या प्लान है, तो क्या प्लान है आपका अपना प्रोफेशनली, पारिवारिक प्लान नहीं, प्रोफेशनली? मेरे को एक चॉकलेट एकेडमी खोलनी है। वो क्या होती है ये? वो एक्चुअली क्या है कि मेरा जो पैशन रहा है वो बेकिंग रहा है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो उसमें एक रहा कि चॉकलेटियर बनता है आदमी, कहाँ कोकोआ से, कहाँ से आप कोको निकालते हैं, कैसे उसमें कोको बटर में ऐड किया जाता है, कैसे उसमें शुगर ऐड की जाती है, और उसके बाद कैसे आपके पास चॉकलेट चॉकलेट की फॉर्म में बन के आता है। अच्छा, तो क्या, कब तक शुरू करने का विचार है ये? शुरू किया है, मैं टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, तो अभी मैं थोड़ा ये रिव्यू कर रही हूँ कि किसी को एक एजेंसी हायर करके उससे अपनी पूरी वीडियोस बनवा के सब करके, तो आजकल जैसे ट्रेंड है कि इंस्टाग्राम में हम लोग आ जाएं, तो इंस्टाग्राम में उसको अपलोड करके फिर उसको स्टार्ट किया जाए। फिर जैसे जैसे कोई स्टूडेंट आके सीखना चाहता है उसको हम सिखा भी देंगे, प्लस हम चॉकलेट सप्लाई भी करना शुरू करेंगे। बहुत इंस्पिरेशनल है नीता जी, आप अभी इस स्टेज में जिंदगी के इस पड़ाव में भी आप सोच रहे हैं इंस्टाग्राम और बिल्कुल इन टाइम्स के साथ चलना, तो ये तो बहुत इंस्पिरेशनल है। तो मेरे ख्याल में हर एक को होना चाहिए, आजकल तो हाउसवाइफ बहुत हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं ना तो हर हाउसवाइफ इंस्टाग्राम पे है, ज्यादा, होम मेकर्स बहुत इंस्टाग्राम लेकिन पे। ज्यादातर तो अपने टाइम का कोई सदुपयोग नहीं कर रहे आप, तो जो बता रहे हैं वो तो काफी कंस्ट्रक्टिव यूज है हाँ टाइम का। हाँ हाँ ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत की वजह से करें, लेकिन आदमी को अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। राइट राइट, तो अच्छा आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैंने थोड़ा पहले भी इशारा किया था इस क्वेश्चन की तरफ,
मुझे ये लगता है कि आजकल बहुत से यंग लोग ये चाहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, तो क्या आप भी देखते हैं ये यंग लोगों में, और क्या राय देंगे आप उनको जो कि जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कामयाब होना चाहते हैं? देखिए, रोम तो कभी भी एक दिन में नहीं बना था, ये तो सबको मालूम है। कोई भी चीज है, अगर दृढ़ संकल्प के साथ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अगर किया जाए तो जो उनकी इच्छा है वो हासिल हो सकती है। कितने स्टार्टअप्स हैं, वो कैसे बनते हैं? वो ऐसे ही बनते हैं। जो यंगर जनरेशन है उनको मेरा एडवाइस तो यही है कि इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग होके दृढ़ संकल्प के साथ ईमानदारी से अपना काम करें तो सक्सेस निश्चित है। और अपना एक विजन क्लियर रखें, माइंड में ये क्लियर रखें कि उनको करना क्या है। और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब एक सोच रखें कि हाँ मुझे ये करना है, तो उसी लाइन में आप कंसिस्टेंटली चलिए। आजकल ये जमाना नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जैसे हमारे टाइम में होता था कि डॉक्टर ही बनोगे तभी आप सक्सेसफुल हैं, या इंजीनियर बनोगे तब सक्सेसफुल हैं। आजकल तो आप किसी भी चीज को उठा लीजिए, अगर उसको भी अच्छे से कर लिया है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो नीता जी एक और सवाल, जब आप इस स्टेज में पीछे मुड़ के देखते हैं अपने करियर को और अपनी फैमिली को दोनों को, क्या करियर में कोई ऐसे गोल्स थे जो आपको लगता है कि यार नहीं अकॉम्प्लिश कर पाए, करने चाहिए थे? फॉर्चुनेटली मेरे सारे गोल्स मोर देन डिजायर्ड गोल्स कंप्लीट हुए हैं, फुलफिल हुए हैं। वेरी गुड। और जब आप पीछे मुड़ के परिवार को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि यार ये एक कमी रह गई जो कि नहीं रहनी चाहिए थी, ऐसा है कुछ? मैं वहां पे भी लकी रही हूँ, वहां पे भी लकी रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत चीजें मैं उनसे सीखती हूँ, अच्छा, एक बेटा एक बहुत बेटी है ना चीजें। आपके? एक बेटा एक बेटी है, बहुत चीजें सीखती हूँ। वो कभी कभी ये होते बोलते हैं, पापा आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं ये डिस्कस करते? तो मैं बोलती हूँ नहीं, ये हम उनसे डिस्कस नहीं कर सकते। बोलते क्यों? मैं क्योंकि उनको वो अवेयर ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब इतना 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 हम लोग मैं तो ये सब चीजें नहीं बताती। नार्सिज्म और क्या 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 वो साइकोलॉजिकली बताते हैं चीजें। इट्स अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स। तो मतलब कि प्रोफेशनली और पर्सनली आपको लगता है कि लाइफ वाज मैं वेरी लकी रही हूँ सक्सेस, जी, लाइफ हैज बीन भगवान का गुड। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है, और लोगों की बहुत दुआएं हैं कि मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ। मेरे सीनियर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, मुझे बहुत अच्छे गाइड करने वाले लोग रहे हैं। तो मतलब आज भी मेरी ये इच्छा होती है कि मैं उनके चरण स्पर्श कर दूं, अच्छा इतना अच्छा गाइडेंस मिला है मुझे। कहीं मेरा कोई स्टेप गलत होने जाता था तो मेरे को टोक देते थे, प्लीज मार्क योर स्टेप्स, सी योर स्टेप्स, देखो यहाँ पे तुम गलत जा रही। उन्होंने गलतियां भी बहुत निकाली, एप्रिसिएशन भी बहुत किया। मैं वही बात कहती हूँ कि अगर आप दृढ़ संकल्प होके और ईमानदारी से आप अपना काम निभाते रहिए, और सोच के देखिए कि आप, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो एक एक्ट के दायरे में बंधा हुआ है। अगर आप वो एक्ट के दायरे में बंध के अगर हम काम करते चले जाएंगे, फिर देखिए आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, तो नीता जी आखिरी सवाल, कोई ऐसा प्रश्न जो मुझे पूछना चाहिए था आपसे लेकिन मैंने नहीं पूछा? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कोई, क्योंकि मेरे को ये था कि आप मेरा ये चॉकलेटियर वाला प्रोफेशन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, तो मैंने ये इसका आंसर ये देना था, लेकिन वो कवर हो गया है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब कोई ऐसा प्रश्न रहा नहीं है कि जो मैं आंसर कर सकूं। और मैं तो आपको सच बात बताऊं, अभी तो मैं अपनी वाइफ को भी आपके ये चॉकलेटियर प्लान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद ही ये बात नहीं पता थी, और बड़ी एक सरप्राइजिंग बात थी, और बड़ी एक आपने अच्छा प्लान बताया। ये तो माय बेस्ट विशेस आपको ये चॉकलेटियर प्लान पे।
थैंक यू वेरी मच।